Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 7 of class 8, cubes and cube roots of NCERT book of class 8. Now let us know what is cube and what is cube root. पहले हम क्यूब की बात करते हैं. अगर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, सपोज दिस इज अ फिगर एंड इन दिस फिगर ऑल द फेसेस, इफ आई से ऑल द फेसेस आर इक्वल, दैट मीन्स कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और दिस इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ये तीनों जो हैं वो इक्वल होंगी. ये एक ऐसा फिगर है जिसके सारे फेसेस में क्या है कि ये एक फेस है, जो टॉप है वो एक फेस है, बॉटम इज वन फेस, फ्रंट एक फेस है, बैक साइड एक फेस है और एक इस साइड में फेस है. तो इसके एट द मोस्ट दिस फिगर इज हैविंग हाउ मेनी फेसेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6. जैसे हम एक डस्टर लेते हैं तो उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, लेकिन उसके अंदर सारे फेसेस इक्वल नहीं होते. बट अगर हम एक लूडो की डाइस लेते हैं, उसमें भी 6 फेसेस होते हैं, लेकिन उसके सारे फेसेस इक्वल होते हैं. तो सारे फेसेस इक्वल होने का मतलब क्या है कि उसकी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है वो सेम है. मान लो मैं ये कहती हूँ कि इसकी लेंथ जो है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 3 सेंटीमीटर है और हाइट भी 3 सेंटीमीटर है. तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. बट यहाँ पर सारी तीनों चीज़ें एक है तो हम क्या लिखेंगे, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. तो ये क्या है, वॉल्यूम. और किसका वॉल्यूम है, क्यूब का. हमने इसको क्यूब क्यों कहा, क्योंकि इसमें एक नंबर अपने आप से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्यूब कहा. व्हेन वन नंबर इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स देन दैट इज़ नोन एज क्यूब. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब 3 की पावर 3. जब भी किसी नंबर की पावर 3 होती है तो दैट इज़ नोन एज क्यूब. इसका मतलब क्या है कि हमें किसी भी नंबर का क्यूब फाइंड आउट करना है तो हमें उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी पावर क्या होगी, 3. फॉर एग्जांपल आई से व्हाट इज 4 क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, दिस इज इक्वल टू 4 क्यूब. ये 4 क्यूब क्यों है, बिकॉज हेयर 4 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स. 4 जो है वो अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, 4 क्यूब. 4 क्यूब मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, और 4 जो है अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. इन दिस वे वी कैन फाइंड द क्यूब ऑफ एनी नंबर. 5 क्यूब दैट विल बी इक्वल टू सेम नंबर को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. ये तो हो गया हमारा क्यूब. अब अगर मान लो कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये किसके इक्वल है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, दैट इज इक्वल टू 4 4 जो 16 16 4 जो 64, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. तो जो ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 है, ये किसके इक्वल होता है, 125 की. अब अगर मैं ये कहूँ, कोई आपसे ये पूछे कि 64 परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम कहेंगे यस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब. ये परफेक्ट क्यूब क्यों है, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ द सेम नंबर 3 टाइम्स. ये नंबर जो है एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट क्यूब. तो अगर हमें चेक करना है कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हमें उसके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे, और प्राइम फैक्टर्स में देखेंगे कि क्या हर प्राइम फैक्टर जो है वो 3 बार आया है या नहीं. अगर 3 बार आया तो दैट इज़ परफेक्ट क्यूब प्राइम फैक्टर करने के बाद. और अगर वो 3 बार, 2 नंबर्स तो 3 बार आ गए, ठीक है, पेयर्स में आ गए हमारे पास, और एक नंबर में आया, एक नंबर जैसे हमारे पास नंबर्स हैं सपोज 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 5, सिर्फ 5 है, उसके साथ
दो और फाइव नहीं है, तो वो एक अकेला फाइव है उसके साथ, तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसको परफेक्ट क्यूब होने के लिए फाइव भी थ्री टाइम्स होना चाहिए था, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स बनाएंगे वो थ्री टाइम्स होने चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो 64 इज़ परफेक्ट क्यूब, क्यों? क्योंकि इसको हम एक ऐसे नंबर को थ्री टाइम्स लिख सकते हैं जो अपने आप से मल्टीप्लाई करने पे 64 देता है। सिमिलरली 125 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि 125 के अगर हम फैक्टर्स बनाएं तो ये एक ही नंबर को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है। कौन सा नंबर है वो? 5। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई 5 गिव्स 125। तो इसको हम तीन, एक नंबर को इट्सेल्फ, वन नंबर मल्टीप्लाई बाय इट्सेल्फ, वो कौन सा नंबर है? 5। उससे हमें 125 मिलता है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर हमें परफेक्ट क्यूब देखना है कि कोई नंबर है या नहीं, तो हमें उसका प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और हर प्राइम फैक्टर जो है वो थ्री टाइम्स आ रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं। अब एक चीज़ और है, हम ये देखना चाहें अगर कि किसी भी, मान लो ये हम वी आर हैविंग वन नंबर, हमारे पास एक नंबर है और उसको हमें ये देखना है कि उसके क्यूब के वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है। What is the number on the ones place of the cube of, एक number है हमारे पास, that is 3331। अगर हम ये कहें कि इसका जब हम cube करें तो उसके ones place पर कौन सा digit आएगा, और बिना multiply किए, मतलब इस पूरे numbers को तीन बार multiply किए बिना ही हमें बताना है कि इसका जब हम cube करेंगे, cube means इसको हम थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर इसके वंस प्लेस पे क्या आएगा। तो हमें इस पूरे नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, डिजिट एट वंस प्लेस देखेंगे कौन सा है। डिजिट एट वंस प्लेस क्या है? वन, वंस प्लेस दैट इज वन। फिर हम क्या करेंगे, वन का क्यूब निकाल लेंगे, सिर्फ वन का क्यूब क्या होगा, वन मल्टीप्लाई वन इक्वल टू वन। तो इसका मतलब इसके क्यूब के वंस डिजिट या यूनिट्स डिजिट पर कौन सा नंबर होगा? वन। वो हमें कैसे पता चला? जो वंस प्लेस पर डिजिट था उसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो और हमें पता चल जाएगा कि इसकी क्यूब में, नहीं तो कई बार क्या करते हैं बच्चे, वो देखेंगे कि इसको तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके वंस प्लेस पे आंसर में कौन सा नंबर आएगा वो लिखेंगे। नहीं, हमें ये नहीं करना, हमें सिर्फ वंस प्लेस को लेना है, उसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और देखना है कि वहाँ कौन सा डिजिट आ रहा है वंस प्लेस पे, और वही इसके वंस प्लेस पे, इसके क्यूब के वंस प्लेस में होगा। तो इन दिस वे वी कैन चेक कि व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ एनी नंबर। अब मान लो कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, सपोज एक कोई और नंबर लिखते हैं, सपोज आई एम हैविंग द नंबर 8888। तो इसके क्यूब के यूनिट प्लेस में क्या होगा, कौन सा नंबर होगा? तो हम क्या लेंगे इसका वंस प्लेस, डिजिट एट वंस प्लेस। तो ये जो है क्या है, 8 लिया, फिर हमने क्या किया, इस 8 का क्यूब कर दिया। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 8। अब 8 मल्टीप्लाई 8 इज 64, और 64 को फिर से 8 से करेंगे तो 32, 3 एंड 5 1, तो ये हमारे पास आ गया 512। अब इसके वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वही इसके क्यूब के वंस प्लेस पे होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, डिजिट एट वंस प्लेस ऑफ 8888 क्यूब इज क्या, 2। जब हम इसको थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, 2। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिजिट एट वंस प्लेस। अब उसके बाद अब बात आती, हमने प्राइम फैक्टर्स तो पढ़े थे, कब पढ़े थे, जब हमने स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट वाला चैप्टर किया था। तो अगर हमें ये देखना है कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि उसके प्राइम फैक्टर्स में सारे जो फैक्टर्स हैं वो थ्री टाइम्स आ रहे हैं या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टेकिंग 216, हमें ये देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 1 0 8, फिर 2 पर जाएगा, 2 5 10 एंड 2 4 8, फिर 2 पर जाएगा 27,
एंड फिर अब ये 2 पर नहीं जाता क्योंकि इसका वंस प्लेस 0 भी नहीं है और इवन नंबर भी नहीं है, तो ये 3 पर जाएगा। 3 9 27, 3 3 9, फिर 3 पर 3 1 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हमें क्या मिले, 216 इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं एक बार, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसमें कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं। एक 2 है और एक 3 है, और तो कोई नंबर है नहीं, तो क्या 2 3 टाइम्स आया है, इस तरह से हम अंडरलाइन कर लेते हैं, यस 3 टाइम्स है। और क्या 3 भी 3 टाइम्स आया है, यस। अगर ये जितने भी फैक्टर्स हैं वो 3 टाइम्स आ रहे हैं तो इसका मतलब 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यस 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्यों है परफेक्ट क्यूब, बिकॉज ये इसका जो हर प्राइम फैक्टर है वो 3 टाइम्स आया है। मान लो यहाँ पर हमारे पास एक 5 डिजिट और आ जाता, फिर हम ये नहीं कह सकते थे कि 216 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि वो 5 हमारे पास अकेला नंबर होता, उसका जो 3 फैक्टर्स नहीं होते 5 के, 5 × 5 × 5, तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। बट अभी ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम अभी ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है। क्यों है परफेक्ट क्यूब, बिकॉज इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 टाइम्स आ रहे हैं। सो इन दिस वे वी कैन चेक वेदर ए नंबर इज़ a perfect cube or not a perfect cube. So exercise 7.1 का अगर हम first sum देखें तो उसमें हमें यही बताना है, exercise 7.1 question number 1. What is question number 1? Which of the following are not perfect cubes? अब हमें ये बताना है कि कौन से इसमें से perfect cube नहीं है। 216 पहला पार्ट वो हमने कर लिया है, इसका 216 देखना था कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, 128, तो इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, और प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या 3 के पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास। तो इसके प्राइम फैक्टर्स में पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 2 12 एंड 2 2 4 8, फिर 2 32, फिर 2 16 2 32, फिर 2 8 2 16। तो इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, 2 4 8, देन 2 2 4, देन 2 1 2। अब हम ये देख लेते हैं कि 128 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। पहले ये सारे प्राइम फैक्टर्स हम लिख लेते हैं, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब यहाँ पर ये तो 2 2 2 3 टाइम्स आ रहे हैं, ये भी 3 टाइम्स आ रहे हैं, लेकिन ये 2 जो है ये बेचारा अकेला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अकेला है इसकी वजह से ये परफेक्ट क्यूब होने से रह गया कौन, 128। तो हम लिख सकते हैं कि 128 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब एक चीज़ और है, अगर हम इसको ये देखना चाहते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, बट इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ कितना कम है, 2 2 कम है, तो 2 2 मीन्स 2 2 4, 4 कम है, तो इसका मतलब हम अगर 128 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 × 2 और आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी शुड मल्टीप्लाई 128 by 4 to make it a perfect cube। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो next sum है उसमें हमें यही बताना है कि find the smallest number, जो हमारा second question है, by which of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। तो अगर हमें ये देखना होता है कि perfect cube obtain करने के लिए हमें किस number से इसको multiply करना पड़ेगा, तो पहले हम prime factors बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि कितना कम है उसके अंदर। जैसे यहाँ पर 2 2 4, 2 बार 2 आना चाहिए था तब ये 3 का पेयर बनता, तो 2 2 4, 4 कम है, तो इसका मतलब हमें 128 को क्या करना होगा, 4 से multiply इधर भी करना होगा और इधर भी, और इस तरह से हम क्या करेंगे ये बता देंगे कि इसको परफेक्ट क्यूब होने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दिस वे वी कैन डू द सेकंड सम आल्सो, ऑल द पार्ट्स ऑफ द सेकंड सम आर टू बी डन विद द
मेथड दैट किस नंबर से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन यहीं तक ही फिनिश्ड है कि 128 इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए मैंने ये नेक्स्ट स्टेप बताया था कि इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लास्ट में हमें लिखना भी पड़ेगा कि वी शुड मल्टीप्लाई 128 या कोई भी नंबर जो हमें दिया गया कि उसको किस से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें लिखना पड़ेगा वी शुड मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय, जैसे यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो बाय 4 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो जितने से भी हमें मल्टीप्लाई करना है जिस भी नंबर को, वो हमें नीचे मेंशन करना पड़ेगा जैसे हमने स्क्वायर एंड्स के रूप में किया था। थैंक यू।